सो भाई वो कहते हैं ना कि कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट सोचने की जरूरत है। एंड आई फील प्राउड कि टाटा ने फिर से ऐसा करके दिखाया। हमारे सामने खड़ी है अल्ट्रॉस, एंड ये है इसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन एक्सेड ऑप्शनल, जो कि सीएनजी ऑप्शन के साथ आता है। अब देखते हैं इस गाड़ी में आपको क्या मिलता है, एंड शुरू करते हैं इसकी की से। तो इस वेरिएंट में आपको स्मार्ट की ऑफर की जाती है, इसमें अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बूट एक्सेस एंड लॉक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है विद हैलोजन यूनिट, और साथ ही साथ डीआरएल एंड फॉग लाइट में भी हैलोजन का यूज किया गया है। साथ ही साथ अब ये जो क्रोम लाइन देख रहे हो, ये लाइन स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाती है, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देती है कार को। उसके अलावा सेंटर में टाटा की बैजिंग और हनीकॉम डिजाइन में इसकी ग्रिल दी गई है, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। तो फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखोगे इस प्रीमियम हैचबैक का, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए यार इसको प्रीमियम हैचबैक बोला गया टाटा का, बिकॉज प्रीमियमनेस कार में दिखती है। बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से कार कुछ इस तरीके से लगती है। एंड साइड प्रोफाइल में सबसे पहले नजर आती है इसके ड्यूल टोन अलॉय व्हील में। सो ड्यूल टोन अलॉय व्हील आपको इसमें मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर टायर के प्रोफाइल सेक्शन की बात करूं, तो 185/60 R16 इंच के इसमें टायर मिलते हैं आपको। तो गाइस टायर साइज काफी अच्छा है इस कार के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ की गई है। एंड अगर इसके ORVM पे आप नजर डालोगे, तो क्रोम फिनिश जो यूज की है ना भाई, प्रीमियमनेस दिखाती है कार में सच में। एंड थोड़ी प्रीमियमनेस तो यार इस कार में, इसका जो ये रेड टोन कलर आपको दिख रहा है ना, ये भी थोड़ा बढ़ा रहा है। रेड में कार बहुत ही ज्यादा स्टर्निंग लग रही है। तो चलिए अब चेक करते हैं कार का रियर प्रोफाइल, एंड देखते हैं कार रियर प्रोफाइल से कैसे लगती है। तो यार मेरी मानो ना, सच में ये कार ना कुछ चुनिंदा कारों में से एक है जो अपने रियर प्रोफाइल में भी बहुत ज्यादा स्टर्निंग लगती है। इस कार में आपको LED टेल लाइट सेटअप दिया गया है। इसके अलावा दो पार्किंग सेंसर दिए हैं कार में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एंड इसके अलावा ICNG की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कैमरे की प्लेसिंग की गई है, उसके ऊपर अल्ट्रॉस की बैजिंग। एंड भाई कार बैक प्रोफाइल से सच में बहुत स्टनिंग लगती है। इसके अलावा वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाएगा, शार्क पिन एंटीना और ब्लैक रूफ के साथ आपको ये कार मिलती है। अब बात करते हैं इस कार की मेन USP की, जिसके बिना शायद ये भी किसी ऑर्डिनरी CNG कार की तरह होती। हम बात कर रहे हैं इस कार के बूट स्पेस की। तो भाई ये फर्स्ट ऐसी CNG कार है ना, जो आपको इतना बूट स्पेस प्रोवाइड कर रही है। तो भाई जजमेंट के लिए पहले से इन्होंने यहाँ पे एक लगेज बैग प्लेस किया हुआ है। बट वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, इस कार में आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि आपको किसी और CNG कार में नहीं देखने को मिलेगा। और ज़्यादा लगेज आप इसमें कैरी कर सकते हो। अगर आप ये पार्सल ट्रे यहाँ से हटा दो, तो एक के ऊपर एक लगेज रख के आप अपना लगेज बैग रख के अपना कैरी कर सकते हो। तो भाई CNG कार के साथ जो सामान की दिक्कत आती थी ना, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो गई है। देखो सिलेंडर की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है, ट्विन सिलेंडर यहाँ प्लेस किए गए हैं इसमें। एंड जो स्टेपनी थी, उस स्टेपनी को इन्होंने नीचे प्लेस कर दिया गया यहाँ पे। एंड अगर आपको स्टेपनी यहाँ से निकालनी हो, तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे ही दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको स्क्रू को रिला करोगे, तो आप यहाँ से अपनी स्टेपनी एक्सेस कर सकते हो। जो ये यूटिलाइजेशन किया गया है ना स्पेस का, वो सच में बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल है। एंड इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स भी बहुत हैं इसमें। आपको लीक डिटेक्शन, थर्मल इंसिडेंट, डायरेक्ट CNG स्टार्ट, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कंपनी ने इसमें आपको। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको CNG रिफिल कहाँ से करानी है इस कार में। तो CNG रिफिल का ऑप्शन आपको वहीं पे दिया गया है, जहाँ पे आपका पेट्रोल रिफिल का ऑप्शन होता है। तो वहीं पे आपको एक सेपरेट CNG के लिए नोजल दिया गया है, जहाँ से आप अपना CNG रिफिल कर सकते हो, और यहाँ पे ही पेट्रोल का ऑप्शन भी है। एंड अगर ये आपका फ्यूल लाइट ओपन रह जाता है ना यार, तो उस केस में आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। ये फीचर्स भी इस कार में दिया गया है। अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं इंटीरियर में कंपनी आपको क्या क्या फीचर दे रही है इस वेरिएंट में। तो ये सबसे पहले हमारी नजर जाती है इसके डोर पे। एंड डोर पे ही अगर आप देखोगे, तो ड्यूल टोन इंटीरियर यूज किया गया है कार में। ये पार्ट प्लास्टिक है, बट यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज किया गया है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ORVM के कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं। डोर लॉक पे थोड़ा क्रोम फिनिश यूज किया गया है। इसके अलावा ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। एंड ओवरऑल बाहर से कार का लुक इंटीरियर कुछ ऐसा लग रहा है। इसके साथ इस वेरिएंट में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कार का अंदर से इंटीरियर कैसा लगता है देखने में। सो गाइस ये है अल्ट्रॉस CNG 2023 का इंटीरियर। ओवरऑल इंटीरियर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, एक दो चीजों को छोड़ के। कुछ एक दो चीजें हैं जो नई हैं इस इंटीरियर में। इसके अलावा अगर स्टेयरिंग की बात करूं, तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, डी कट स्टेयरिंग आपको मिलता है। म्यूजिक के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे। हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है स्टेयरिंग में। यार टाटा की स्टेयरिंग का तो मैं फैन हूँ, बहुत ही अच्छा स्टेयरिंग रिस्पॉन्स होता है टाटा के स्टेयरिंग का।
इसके अलावा यार बात करूं, अब जो मेन फीचर जो मैं आपको दिखा रहा हूं जो इंटीरियर में चेंज है वो है इसकी सनरूफ। जी हाँ, अब इस कार में आपको सनरूफ भी ऑफर की जाती है एंड सनरूफ का साइज भी काफी सफिशिएंट है। तो भाई सनरूफ के दीवानों के लिए अब सनरूफ भी इस कार में आ गई है फाइनली। बाकी आप देख सकते हो सिल्वर, ग्लॉसी सिल्वर कलर यूज किया गया है डैशबोर्ड में, ड्यूल टोन में डैशबोर्ड बनाया गया है और ग्लॉसी सिल्वर का यूज किया गया है। इसके अलावा एसी वेंट आप देख सकते हो, एसी वेंट में भी आपको वो ग्लॉसी सिल्वर की फिनिश देखने को मिल जाएगी, एल्ट्रॉस की बैजिंग प्लस ऑटोमेटिक एसी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 5 वॉट का यूएसबी ऑप्शन प्लस 12 वॉट का सॉकेट, साथ साथ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। इसके नीचे ही हैंडब्रेक की प्लेसमेंट की गई है एंड साथ साथ आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है, स्लाइडेबल है। इसके अलावा आपको इस आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी, तो थोड़ी बहुत स्टोरेज भी आप इसमें कर सकते हो, लिमिटेड स्पेस है बट आप स्टोरेज रख सकते हो, थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकते हो इस पे। तो आर्मरेस्ट भाई इस वेरिएंट में आपको मिलता है। अगर बात करूँ इस कार के सीट कंफर्ट की, तो भाई सीट में सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है सीट में एंड थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है सीट में। सो ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, जो फ्रंट सीट्स हैं कंफर्टेबल सीट्स हैं काफ़ी, पैसेंजर एंड ड्राइवर सीट बोथ आर वेरी कंफर्टेबल। अब चलते हैं रियर में एंड रियर में दिखाता हूँ आपको कि रियर की सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं। सो यार आ गए अब हम रियर सीट में इसकी, एंड रियर सीट में ही आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाएगा, 12 वॉट का सॉकेट दिया गया है रियर सीट में। बात की जाए लेगरूम, काफ़ी अच्छा लेगरूम है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है एंड इसके साथ साथ आपको पीछे की सीट में आर्मरेस्ट भी दिया गया है, बट कप होल्डर मिसिंग है इस आर्मरेस्ट में, बट ओवरऑल आपके लिए एक कन्वीनियंस फीचर है, पीछे भी आर्मरेस्ट दिया गया है तो एक कन्वीनियंस फीचर है आपके लिए भी। रियर डोर में भी डोर लॉक्स में सिल्वर ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है एंड इसके अलावा विंडो का स्विच यहाँ पे दिया गया है एंड हाथ रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस बन जाता है। ओवरऑल कार की रियर सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड एक प्रीमियमनेस प्रोवाइड करती है ये आपको कार। अब चलते हैं कार के बाहर एंड बाकी की बातें कार के बाहर जाके करते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये प्रीमियम हैचबैक कार इसके नए सीएनजी अवतार में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल कोई भी ऐसी सीएनजी ऑप्शंस नहीं आ रहा है जो आपको इतना बूट स्पेस प्रोवाइड करे, तो यार गेम चेंजर तो डेफिनेटली ये कार है। और अगर आप भी कोई सीएनजी ऑप्शन ढूंढ रहे हो आज के टाइम पे और आप चाहते हो कार लेना जो सीएनजी के फायदे के साथ साथ आपको एक बूट स्पेस भी प्रोवाइड करे, ताकि अगर आप कार को लॉन्ग ट्रिप में लेके जाते हो तो आपको वो बूट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो भाई उस केस में तो ये कार आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। विदाउट एनी डाउट आप इस कार की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज इससे बेटर ऑप्शन आपको फिलहाल करंट समय में कोई और कार नहीं दे रही है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।